नमस्कार, आज हम बनाने वाले हैं निमोना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान लगते हैं इसमें। ये देखिए, ये हरा मटर है, ये देखिए आलू, हमने कुछ आलू काट लिया है, ये देखिए टमाटर है, इसमें हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है और कुछ प्याज काट लिया हुआ है, और साथ में हमने धनिया रख लिया हुआ है ऊपर। ये देखिए, ये मसाला है, ये गरम मसाला है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, ये देखिए अब तेल गरम हो रहा है। जब तक ये तेल गरम हो रहा है तब तक हम इस हरे मटर को मिक्सर में पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। हमने जो हरा मटर था उसे मिक्सर में पीस कर पेस्ट बना लिया है इस तरह से। अब चलिए देखते हैं तेल का क्या सिचुएशन है। तेल इस समय तेल उबल चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। ये देखिए, ये देखिए हम इसमें डाल रहे हैं कोडौरी, इसमें कुछ ये हमने घर में बनाया हुआ मसाला है, इसे हम इसमें डाल रहे हैं। ये एक तरह का मसाला है जो हम घर में बनाते हैं। अब उसे तेल में हमने डाल दिया है और उसे कुछ समय के लिए तेल में, उबलते हुए तेल में फ्राई कर रहे हैं। इसे डालने का यही कारण था कि इसे डालने से एक तरह का मसाला है जो कि खाने को स्वादिष्ट बनाता है और खाने में टेस्ट लाता है। तो लगभग एक दो मिनट के लिए, इसे हम उबलने देंगे। अब देखो इसमें हम पेस्ट डाल रहे हैं, जो हमने पेस्ट बनाया था हरे मटर का वो इसमें डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें कटे हुए आलू डालेंगे, उसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमने ढक दिया है ताकि ये पके कुछ समय के लिए। हमने इसे ढक दिया है, अब ये पक रहा है इस समय। जब तक ये पक रहा है तब तक चलिए हम इसका मसाला जो है उसे तैयार कर लेते हैं। इसे हमने रखा है पकने के लिए ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और जब इसका मसाला तैयार हो जाएगा तब उसे इसमें मिक्स करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं वही मसाला जो हमने आपको दिखाया था पहले। ये देखिए, ये सारा मसाला है, इस मसाले को हम मिक्सर में डालेंगे। ये देखिए लहसुन, अदरक, ये प्याज, दो प्याज है लगभग, ये धनिया, टमाटर को हम काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसे भी डाल देंगे इसी में।
अब इसमें हम डालेंगे कुछ जीरा, ये देखिए लगभग 2 टीस्पून, 2 टीस्पून, 2 चम्मच। ये देखिए इसमें हल्दी डाल रहे हैं हम लगभग 1/2 चम्मच। अब इसमें हम डाल लेंगे गरम मसाला, ये देखिए। अब इसे हम मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे पीस लेंगे मिक्सर में। तो जब तक ये आप देख रहे हैं कढ़ाई में पक रहा है, तब तक हम जाके मिक्सर में पीस कर आते हैं। ये देखिए हमने मसाले को पीस लिया है, ये अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है, मिक्सर में पीस लिया है हमने इसे। अब चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है हमारे कढ़ाई का। ये देखिए ये लगभग 1/2 से ज़्यादा पक चुका है। अब इसमें हम अपना जो पेस्ट हमने बनाया है उसे मिक्स करेंगे। ये देखिए इस पेस्ट को अब हम कढ़ाई में डालेंगे। और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने ज़्यादातर हरी सब्जी का प्रयोग किया हुआ है, तो एक तरह से ये वेजिटेरियन आइटम है। आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मसाला का प्रयोग हमने नहीं किया है, तो एक तरह से ये हेल्दी खाना है। तो चलिए इसे रख देते हैं हम पकने के लिए। कुछ समय से हम छोड़ देंगे धीमी आंच पर ताकि ये पके। अब हमने ये देखिए लगभग 1/2 लीटर पानी लिया हुआ है, और इसे हमने जिस जार में हमने मसाला पीसा था उसी जार में लगभग 1/2 लीटर पानी ले लिया है, ताकि वो मसाला जो है उसमें से निकल के आ जाए पानी में, और हमें जो हमारा खाना पक रहा है उसमें यह पानी हमें प्रयोग भी करना है। तो हम थोड़ा रुकेंगे ताकि ये पानी इसमें मिक्स कर सकें। तो चलिए देखते हैं हमारे खाने का क्या सिचुएशन है इस समय। कढ़ाई को हम उठाएंगे, देखेंगे इस समय क्या सिचुएशन है। ये देखिए ये पक रहा है, उसे चला कर देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी ये लगभग इस सिचुएशन में है कि पकने ही वाला है, तो उसे थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा और उसे रख देंगे पकने के लिए। जैसा कि हमें लग रहा है कि महक से हमें लग रहा है कि अभी ये पूरी तरह नहीं पका हुआ है, तो थोड़ा वेट करेंगे, इसे वापस से रख देंगे चलो पकने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस समय भाजी का, क्या वो पक गया है। ये देखिए इसे हम थोड़ा मिक्स करके देखते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि ये पक गया है। आप देख सकते हैं आलू का टुकड़ा जो है उसे हम दबा के थोड़ा प्रेस करके देखेंगे, जिससे हमें आइडिया मिलेगा। ये देखिए ये आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब ये लगभग पक गया है। तो इस समय अब इसमें हम पानी डालेंगे, लगभग 1/2 लीटर पानी। आप देख सकते हैं इसे हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये रसेदार हो जाए। इसके पहले आप देख रहे थे वो सूखा था, इसमें हमने 1/2 लीटर लगभग पानी डाल दिया है। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम नमक डालने जा रहे हैं, नमक अभी तक डाला नहीं था हमने।
स्वाद अनुसार जितना नमक आपको लगे उतना आप इसमें डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसे हम कुछ समय के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 5 मिनट के लिए, और उसके बाद वापस लौटेंगे। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है इस समय। इसे हम देखेंगे कि पका है या नहीं है। ये देखिए हल्का हल्का बॉईल हो रहा है। ये हम फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जब तक उबलने ना लगे तब तक समझिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये उसे हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा और उसे रख देंगे ताकि बॉईल आ जाए अभी इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या ये पक गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये बॉईल हो रहा है और उबल चुका है ये लगभग पूरी तरह। तो ये देखिए हमारा निमोना बन के तैयार है आपके सामने। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा घी डाला है ऊपर से लास्ट में टेस्ट के लिए। आप इसे ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें अगर आपको लगे तो। बस ये है कि इसमें अच्छा टेस्ट आता है। हमने देसी घी का यूज़ किया हुआ है इसमें, लगभग 1 चम्मच। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको आज रेसिपी बताया जिसे हम निमोना कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही प्रसिद्ध है लोगों में वहाँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग भी ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।